डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने रानवीर पद्मावती का ट्रेलर लॉन्च करके सबको सरप्राइज कर दिया। ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज रहेगा इस साल दिवाली के बाद। पहले लाइव ब्लॉकबस्टर मूवी रामलीला, उसके बाद हिस्ट्रिकल मूवी बाजीराव मस्तानी, इसके बाद और एक नई हिस्ट्रिकल मूवी रानी पद्मावती। जैसे कि आप मूवी के पोस्टर में देख सकते हैं कि संजय लीला बंसाली इस मूवी में डायरेक्शन के साथ साथ म्यूजिक भी दे रहे हैं। और ये मूवी 1 दिसंबर को रिलीज होगी ऑफिशियली। तो चलिए इस मूवी के बारे में और डिटेल जानते हैं जो आप नहीं जानते होंगे। रानी पद्मावती की कहानी इतनी प्रचलित थी कि उसके ऊपर एक पद्मावत नाम का ग्रंथ लिखा गया है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले शाहिद कपूर जो राजा रतन सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, और रानी पद्मावती की किरदार निभा रही है दीपिका पादुकोण। जैसे कि ट्रेलर में शुरू में दिखा रहे हैं कि राजा पद्मावती रानी को ब्याह करके अपने घर चित्तौड़गढ़ में ले जा रहे हैं। रानी पद्मावती का नाम रानी बनने से पहले पद्मिनी था, जो सिंहला किंगडम में रहती थी जो श्रीलंका में आया हुआ था। राजा ने पद्मावती के साथ ब्याह तो किया ही था, साथों साथ सिंहला किंगडम की हजारों लड़कियों ने राजा के हजारों सैनिकों के साथ ब्याह करके सभी को चित्तौड़गढ़ लाए थे। ये आप इस तस्वीर में भी देख सकते हो। इस शादी के बाद राजा और रानी के साथ सभी प्रजा भी बहुत खुश थी टूटी हुई इस कहानी के मिलन की। जो दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी थे और उसकी भूमिका निभा रहे रणवीर सिंह। कहानी में यह है कि राघव चेतन नाम का आदमी जो पहले राजा रतन सिंह के दरबार में संगीतकार था, और उसको किसी कारण से उसके दरबार में से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और रानी पद्मावती की खूबसूरती की बहुत तारीफ करता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी राजा को राजदूत के साथ अपना संदेशा भिजवाता है कि वो रानी पद्मावती का भाई है और वो उनसे मिलना चाहता है। सामने बहुत बड़ी सेना देखकर राजा रतन सिंह सोचता है कि कोई खून खराबा ना हो और ये मसला सुलझ जाए, और रानी पद्मावती के साथ बात करता है। रानी ने भी उनसे मिलने का प्रस्ताव बहुत ही चतुराई के साथ स्वीकारते हुए कुछ इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी से मिलती है। रानी की सुंदरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उसका दीवाना हो जाता है और उसको पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पे अपनी सेना के साथ हमला करके राजा रतन सिंह को अपनी कैद में ले लेता है। उसके बाद वो रानी पद्मावती को शादी का न्योता भेजता है, लेकिन इस न्योते को अस्वीकार करते हुए वो फरमान रानी आग में चला देती है। फिर रानी राजा के खास सैनिक गोरा और बादल की मदद से राजा रतन सिंह को छुड़ा लेती है। इस घटना से अलाउद्दीन खिलजी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर से चित्तौड़गढ़ पर फतेह हासिल करके इस बार राजा रतन सिंह को मार देता है। राजा और सैनिकों के मरने के बाद रानी और सभी सैनिकों की पत्नियां के पास दो विकल्प रहते हैं कि सामने वाली सेना के साथ रहे या फिर जौहर को प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में कहे तो सती हो जाए। और दूसरे विकल्प को चुनते हुए रानी पद्मावती और सभी औरतें एक साथ आग में सती हो जाती है। हो सकता है इस कहानी में कुछ गलत मैंने कहा हो, तो इसके लिए माफी चाहूंगा और दरखास्त करता हूँ कि पूरी कहानी का आनंद लेने के लिए इस मूवी को जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए, और ऐसे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।